वेलकम टू बायोलॉजी क्लास स्टूडेंट, दिस इज ए न्यू चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। वी आर गोइंग टू डिस्कस ए न्यू चैप्टर दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टूडेंट टू पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग स्टडी करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग सिस्टम को स्टडी करेंगे और इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग डाइजेशन की प्रोसेस पूरी स्टडी करेंगे। तो पहला जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है स्टूडेंट्स, इसकी क्यों आवश्यकता है और क्या जरूरत पड़ी डाइजेस्टिव सिस्टम की। फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग बींग्स। फूड जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लिविंग बींग्स की। अब फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो इसके अंतर्गत प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं और मिनरल्स हैं, वाटर है। दीज आर द न्यूट्रिएंट्स जिनको हम लोग लेते हैं और ये हमको जरूरी भी है। अब ये हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जाकर के करते क्या हैं, तो दे प्रोवाइड एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट। सम न्यूट्रिएंट टेक पार्ट इन द ग्रोथ इन अवर बॉडी एंड रिपेयर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, न्यू टिश्यूज लाइक प्रोटीन्स, प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होती है। फैट और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड कराती है। विटामिन्स और मिनरल हमारे बॉडी में जाकर के तरह तरह के डिसऑर्डर्स ना हो इसके लिए काम करते हैं। स्टूडेंट, विटामिन्स और मिनरल्स हम लोगों की बॉडी में मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेते हैं, तरह तरह के मेटाबॉलिज्म चला करती है हमारी सेल्स में उसमें, और तरह तरह के डिसऑर्डर से बचाते हैं हम लोग। और वाटर जो होता है इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स। ये सेल्युलर एक प्रकार से घोल का काम करता है, हर प्रत्येक चीज को घोलने का काम करता है और सर्कुलेट होता रहता है हमारे बॉडी में और हमारी सेल्स को मॉइस्ट बनाए रखता है, तो मेटाबॉलिज्म में भी हिस्सा लेता है। तो इस प्रकार से ये दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। अब इन फूड को हम लोगों को डाइजेस्ट करना है, क्योंकि डायरेक्ट जो फूड हम लेते हैं वो सेल में नहीं जा सकता, तो उसके लिए हम लोगों के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया गया है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के सहारे हम लोग इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं और उस लायक बना देते हैं जो हमारी सेल्स में पहुंच जाता है और हमारी सेल्स उसका यूटिलाइजेशन करें। अब इसको अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग दो पार्ट में बांट लेते हैं। दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग स्टडी करेंगे, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है और दूसरा है एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है ये सपोर्टिंग ग्लैंड हैं जिनसे कुछ एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट में ये हिस्सा लेते हैं और उनमें अपनी पूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों में थ्री डाइजेस्टिव ग्लैंड है। फर्स्ट वन इज लीवर, सेकेंड वन इज पैंक्रियास एंड थर्ड वन इज सैलिवरी ग्लैंड। लीवर स्टूडेंट, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। लीवर जो है ये दिस इज द लीवर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी और हमारे चेस्ट के नीचे इस पार्ट में पाई जाती है, काफी बड़ी ग्लैंड होती है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, क्योंकि लीवर जो है ये ग्लाइकोजेनेसिस का काम करती है, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लिपिड्स में कन्वर्ट कर देता है, कभी जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ये एनर्जी भी बनाता है, और अगर ग्लूकोज का लेवल घट जाता है तो उस समय लिपिड्स और ग्लाइकोजन जो हमारे बॉडी में होता है हमारे लीवर में उसको कन्वर्ट करके ये ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करता है। इसके साथ साथ अमोनिया का प्रोडक्शन करता है, जब प्रोटीन या अमीनो एसिड टूटते हैं तो अमोनिया बनाता है। अमोनिया क्योंकि पॉइजनस होती है तो अगर ज़्यादा देर रुक जाएगी बॉडी में तो हमारे लिए हार्मफुल होगी, तो अमोनिया को ये क्या करता है यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिला करके यूरिया में कन्वर्ट कर देता है।
और बाइल जूस बनाता है, कुछ चीजों का डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, कुछ विटामिन का फॉर्मेशन करता है। तो ये बहुत सारे हिपाइरिन बनाता है, तो मेनी फंक्शन आर परफॉर्म बाई लीवर, तो इसलिए हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। सेकेंड वन इज पैंक्रियास। पैंक्रियास स्टूडेंट ये लीवर ग्लैंड है, यहां पर इसकी पोजिशन दिखाई देती है, ये गॉल ब्लैडर है, यहां पर लीवर में बाइल जूस बनता है, गॉल ब्लैडर में कलेक्ट रहता है, इकट्ठा रहता है। दिस इज द पैंक्रियास। ये लीप लाइक होती है, ये ग्रेश कलर की, हल्का सा पिंक कलर का, ब्राउन कलर का, तो ये जो है एक लीप के आकार की ग्लैंड है, जो कि स्टमक और डोडनम इसके बीच में, यू के आकार की जो यू शेप नली है इसके बीच में पाई जाती है। और पैंक्रियास जो है एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड स्टूडेंट जानते हैं आप क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब होता है कि ऐसी ग्लैंड जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट और इंडोक्राइन पार्ट दोनों पाए जाए। एक्सोक्राइन पार्ट क्या है? उससे कुछ एंजाइम्स निकलेंगे, या एक्सोक्राइन ग्लैंड से उनको बोला जाता है जिनसे हार्मोन को छोड़ करके अन्य कोई पदार्थ सेक्रेट करे, जैसे सैलिवरी ग्लैंड, गोब्लेट ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, स्वाइट ग्लैंड, तो दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी हार्मोन नहीं निकलेगा बाकी कोई चीज निकल सकती है, तो इसमें वो पार्ट भी पाया जाता है पैंक्रियास में एंजाइम निकालने वाला। और एक इंडोक्राइन पार्ट होता है, तो हालांकि उसको हम लोग हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में समझ लीजिए कि उससे हार्मोन्स निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागन और सोमैटोस्टैटिन, ये हार्मोन्स भी निकलते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पैंक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड, बिकॉज इट हैज बोथ पार्ट एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। नाउ थर्ड वन ही सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जो पाई जाती हैं, ये सेलाइवा को सेक्रेट करती है, और सेलाइवा हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सैलिवरी ग्लैंड की संख्या जो होती है वो थ्री पेयर होती है स्टूडेंट, थ्री पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड आर फॉर्म इन आवर बॉडी। और ये पाई कहाँ जाती है? इनकी पोजिशन ये शो की गई है, एक हमारे कान के नीचे यहाँ पर पाई जाती है, इसको पैरोटिड ग्लैंड बोलती है, दिस इज द पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी जो पाई जाती है, दूसरी जो सेकेंड पेयर, एक पेयर होता है यानी इस ईयर के नीचे, इस ईयर के नीचे, और दूसरा जो पाया जाता है पेयर वो टंग के नीचे होता है, तो उसको बोलते हैं सब लिंगुअल, ये टंग के नीचे पाई जाती है। थर्ड पेयर जो पाया जाता है वो निचले जबड़े में, यानी ये लोअर जॉ, तो इस बोन में से संबंधित है, तो इनको बोलते हैं सब मैक्सिलरी, यानी वन पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, वन पेयर ऑफ सब लिंगुअल ग्लैंड, वन पेयर ऑफ सब मैक्सिलरी ग्लैंड, तो टोटल नंबर इनकी हो गई सिक्स, ये पाई जाती है। और ये अपनी अपनी ट्यूब, देखो ट्यूब भी शो किया गया है, ये अपनी नली से आकर के बकल कैविटी में खुलती है, यानी ये जो माउथ वाला पार्ट है हमारा, ल्यूमेन वाला पार्ट है माउथ के अंदर, दिस इज कॉल्ड बकल कैविटी, तो उसी में ये अपनी अपनी ट्यूब के द्वारा खुलती है। तो दिस इज अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अवर एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी स्टार्ट हुई है वो माउथ से लेकर के स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट, ये माउथ है, ये अंदर का हिस्सा है बकल कैविटी का, और ये पीछे से घूम करके यहां पर आ रही है, ये फैरिंग्स वाला रीजन है, दिस इज फैरिंग्स, फायरिंग्स के आगे यही आगे बढ़ जाती है, एक नली बना लेती है जो यहाँ से होती हुई यहाँ लंबी, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस आगे चल करके ये स्टमक में खुल रहा, स्टमक एक ब्लैडर के आकार की थैली जैसी संरचना होती है, जिसका जहां पर ईसोफेगस स्टमक में खुलता है उस पार्ट को कार्डियक पार्ट बोलते हैं, यहाँ पर एक कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है जो उसको पोर को जब जरूरत होती है तो खोल देता है और जब जरूरत होती है तो पिचका देता है, वो इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ये सेकंड पार्ट होता है जो उभरा हुआ भाग है, दिस इज द फंडस पार्ट, और ये पार्ट जो नुकीला हो गया है दिस इज द पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट पर भी एक स्फिंक्टर होता है जो यहाँ पर जो पोर होता है, छिद्र होता है, उसकी कंट्रोलिंग करता है कितना इसको चौड़ा करना है, कितना सकरा करना है। तो एक कार्डियक स्फिंक्टर हो गया जो यहाँ पर पाया जा रहा है,
और एक पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया जो यहाँ पाइलोरिक पार्ट में पाया जा रहा। अब ये पाइलोरिक पार्ट आगे मुड़ करके यू के आकार की संरचना बनाता है जिसे ड्यूओडेनम बोलते हैं। ये इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। अब ये ड्यूओडेनम पार्ट है, आगे चल करके ये जेजुइनम पार्ट में बदल जाता है, और जेजुइनम पार्ट जो है आगे चल करके इलियम पार्ट में बदल जाता है। तो यहां पर स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट पार्ट हो गया माउथ, सेकेंड पार्ट हो गया फैरिंग्स, थर्ड पार्ट हो गया इसोफेगस, फोर्थ पार्ट है स्टमक, नेक्स्ट फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट आ गए थ्री पार्ट, ड्यूओडेनम, जेजुइनम, इलियम, दीज आर द थ्री पार्ट रिलेटेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड नाउ लास्ट वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में थ्री पार्ट है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। अब दिस इज द सीकम पार्ट, यहां पर इलियम आकर के यहां पर जुड़ रही है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो लार्ज इंटेस्टाइन से जहां जोड़ वाला पार्ट है दिस पार्ट, इन्होंने सीकम। अब सीकम के पास आगे लार्ज इंटेस्टाइन बन जाती है, तो ये ऊपर की तरफ चढ़ती है, इसको बोलते हैं एसेंडिंग कोलन, यानी ये दिस इज द दिस पार्ट इज द कोलन, यानी ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। आगे चल करके डिसेंडिंग कोलन वाला पार्ट मुड़ करके आगे थैली जैसी संरचना में खुलता है जाकर के, दिस इज कॉल्ड रेक्टम, और रेक्टम आगे चल करके एक पोर के द्वारा बाहर खुलता है, दिस इज कॉल्ड एनस। एनस वाले पार्ट में भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है, इसमें यहाँ पर दो स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर और एक एक्सटर्नल, बाहर पाया जाता है स्फिंक्टर जो छिद्र को खोलने और बंद करने का काम करता है। ये वॉलंटरी होता है यानी ऐच्छिक होता है, और जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो इनवॉलंटरी होता है, अनैच्छिक होता है। एक स्फिंक्टर यहाँ पर पाया जाता है हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, यानी ये हिपैट यानी लीवर से जो आ रही है बाइल डक्ट और ये पैंक्रियास से जो आ रही है एक डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट, दोनों मिलकर के कॉमन एक डक्ट बनाते हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। तो उस जगह पर जहां पर एक खुलती है ड्यूओडेनम वाले पार्ट में दिस पार्ट, तो इस पार्ट पर भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है, यहां पर कंट्रोलिंग करता है इसके छिद्र को। तो स्टूडेंट्स देयर आर फोर स्फिंक्टर व्हिच आई हैव टोल्ड यू, कार्डियक स्फिंक्टर इसोफेगस स्टमक के बीच में, पाइलोरिक स्फिंक्टर स्टमक और पाइलोरिक वाले एक पार्ट में ड्यूओडेनम के बीच में, तीसरा स्फिंक्टर है इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ये यहां पर लिखा हुआ है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, और जो ये हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट वाला स्फिंक्टर है उसको स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहा जाता है, देखो लिखा यहां पर पाया जाता है दिस पार्ट, और फोर्थ स्फिंक्टर जो बताया वो एनल स्फिंक्टर है। तो इस प्रकार से ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल के ये पार्ट होते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले माउथ से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर माउथ। स्टूडेंट ये माउथ जो हम लोगों में है ये एक ओपनिंग के रूप में बाहर खुलता है, माउथ ओपनिंग इसको बोलते हैं, ये अंदर जाकर के एक कैविटी बनाती है, गुहा बनाता है जिसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में हमारे एक टंग पाई जाती है, आप जानते हो हाईली मस्कुलराइज ऑर्गन है, मस्कुलर से बना हुआ, मसल से बना हुआ, और ये फ्रेनुलम एक नीचे से ये बकल कैविटी के बेस से फ्रेनुलम नामक एक झिल्ली से चिपका हुआ जुड़ा हुआ है। जीभ हमारी जो है कहीं ना कहीं नीचे से ऐसे करते हैं तो नीचे से जुड़ी हुई है, फ्रेनुलम उसको बोलते हैं, और इसके ऊपर टंग के ऊपर कुछ पाई जाती है बर्ड्स, जैसे ये टंग है सपोज के लिए, तो इसमें कुछ इस टाइप से बर्ड्स पाई जाती है, इस टाइप इनको बोला जाता है टेस्ट बर्ड, जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट का ज्ञान कराती है, इस टाइप। तो इसमें स्वीटनेस का, मीठेपन का, खट्टापन का, बिटर का और साल्टी यानी नमकीन, इन चीजों का टेस्ट हमको पता चल जाता है कि हम किस टाइप का भोजन कर रहे हैं। तो इसका काम करते हैं बर्ड, टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं टंग। और उसके बाद हमारे बक्कल कैविटी में टीथ पाए जाते हैं,
जो मेन पार्ट है जो भोजन को काटने कुचलने पीसने का कार्य करते हैं। और टीथ जो पाए जाते हैं ये हम लोगों में थ्री टाइप के, यानी थ्री टाइप के क्या कहोगे कि थ्री पॉइंट के हिसाब से आप समझिए ऐसे कि हमारे टीथ जो होते हैं थीकोडॉन। थीकोडॉन का मतलब क्या होता है? थीकोडॉन मतलब गड्ढे में शार्पेट्स में धसे हुए जाबोन, इसलिए इनको थीकोडॉन बोलते हैं। बाइफियोडॉन क्यों कहते हैं? बाइफियोडॉन जीवन में दो बार निकलते हैं इसलिए बाइफियोडॉन। और हेटरोडॉन, हेटरोडॉन क्योंकि डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब डिफरेंट टाइप के कौन कौन से पाए जाते हैं? फोर टाइप के टीथ होते हैं। देयर आर फोर टाइप ऑफ टीथ इन अवर बकरा के। कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर और सबसे आगे पाए जाते हैं इंसीजर। तो आगे से पीछे की ओर जाएंगे तो इंसीजर सामने के टीथ हैं, फिर बगल में साइड में कैनाइन होते हैं जो कार्निवोरस एनिमल्स में काफी बड़े होते हैं जैसे डॉग्स वगैरह है या लायन वगैरह है, ये मांस को फाड़ने का कार्य करते हैं, फ्लैश को फाड़ने का कार्य करते हैं, तो कैनाइन होते हैं। मांसाहारी जीवों में ज्यादा पाए जाते हैं कार्निवोरस एनिमल, बड़े होते हैं। और उसके पीछे होते हैं प्रीमोलर और तब लास्ट में होते हैं मोलर। तो ये चार टाइप के टीथ पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कंडीशन को हेटरोडॉन्ट। ये कंडीशन है थीकोडॉन्ट, बाइफियोडॉन्ट, हेटरोडॉन्ट। अब ये अगर टीथ हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम डेंटल फार्मूला भी पढ़ेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट पर्सन एंड जो छोटे बच्चे होते हैं इन्फेंट, उनमें क्या होता है डेंटल फार्मूला। तो दोनों हम लिखे दे रहे हैं डेंटल फार्मूला। स्टूडेंट, एडल्ट का डेंटल फार्मूला जो होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2 इक्वल टू 32। अब ये 2 1 2 3 क्या है? ये इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर, यानी अपने माउथ को आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, आधा हिस्सा। आधे हिस्से में आधा पार्ट ऊपर का है, आधा पार्ट नीचे का है। तो आधे वाले पार्ट का ऊपर का हिस्सा ये लिखा है 2 1 2 3 और आधे वाले नीचे का हिस्सा ये लिखा है 2 1 2 3, यानी 2 1 3 2 5 3 8 और 8 ऊपर है 8 नीचे है। तो 8 हो गए 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। तो टोटल एडल्ट में जो है 32 टीथ पाए जाते हैं। अब इन्फेंट्स में दूध वाले बच्चों के दांत जो देखे जाते हैं उनकी संख्या 20 होती है। तो उनमें क्या होता है 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। यानी इन्फेंट में प्रीमोलर नहीं होती, इनकी संख्या 0 और मोलर की संख्या 2 2 होती है। टोटल 5 अपॉन 5 यानी 10 हो गए और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से इन्फेंट में दूध के दूध पीने वाले बच्चों में दूध के दांतों की संख्या जो होती है 20 होती है और एडल्ट पर्सन में 32 होती है। तो ये तो हो गया टीथ के विषय में। उसके बाद बकल कैविटी पीछे की ओर एक फैरिंग्स में खुलती है जो मैंने बता दिया है कि पतली सी या ये पार्ट थोड़ा फनेल के आकार का होता है जहाँ पर बकल कैविटी खुलती है फनेल वाले पार्ट में। और उसके बाद ये एक पतली सी नली के रूप में बदल जाती है जिसको ईसोफेगस है। इस नली में जब भोजन पहुंचता है तो इसमें पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है, यानी फूलने पिचलने पिचकने की प्रोसेस। जैसे जैसे भोजन आगे जाता है वैसे वैसे ये इस टाइप से होता चला जाता है। तो ये मस्कुलर से यानी मसल से बनी होती है, इस वजह से इसमें पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट पाया जाता है। आगे चल करके ये स्टमक पार्ट में खुल जाती है। स्टमक के तीन पार्ट में बता चुका हूँ। स्टमक आगे चल करके ड्यूडेनम वाले पार्ट में खुलता है, ड्यूडेनम आगे चल करके इसमें जेजुनम में, फिर इलियम में, इलियम के बाद सीकम, फिर एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और लास्ट में जाकर के रेक्टम में हो जाता है। तो ये एक प्रकार की जनरल समरी है जो हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टडी की है। और मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ इसके विषय में समझ में आ गया होगा। अब आगे का पोर्शन हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट 2 में स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग
डाइजेशन की प्रोसेस वगैरह स्टडी करेंगे और कौन कौन से एंजाइम्स किस पार्ट से सिक्रेट हो रहे हैं उसकी स्टडी करेंगे और कुछ डिसऑर्डर्स का भी जो है की स्टडी करेंगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं संबंधित रिलेटेड होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट आप काफ़ी कुछ इस वीडियो से समझ चुके होंगे। ओके थैंक्स।